बिहार में 5 सीट पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और 31 तारीख को मतदान होगा, लेकिन ऐसे में गया की जो सीट है काफी महत्वपूर्ण है। गया स्नातक हो या गया शिक्षक, चर्चा का विषय बना हुआ है। गया शिक्षक का जो क्षेत्र है वो और भी ज्यादा चर्चा का विषय है। इसके पीछे का जो तथ्य है उस पर चर्चा करेंगे और कौन आगे निकल रहा है, कैसा समीकरण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने जीवन कुमार को मैदान में उतार दिया। चर्चा चली कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान में जो बदलाव है वो क्यों किया, क्या कारण है भाजपा के प्लान में बदलाव का, आखिर जीवन कुमार को क्यों दिया गया। आपको बता दें कि जीवन कुमार के नामांकन में शामिल हुए बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जीवन कुमार लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वे परिश्रमी हैं, आम जनता के लिए संघर्ष करते रहे हैं और शिक्षा और शिक्षकों के सवाल को लेकर जीवन कुमार जो बातें रखते आए हैं उसको लेकर शिक्षकों में काफी विश्वसनीयता उनकी बढ़ी है। और बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर लगातार जीवन कुमार आवाज उठाते रहे हैं। वही रामकृपाल यादव ने भी कहा कि नौजवान है, क्रमट है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि पहले शिक्षक प्रतिनिधि को जो लोग हैं वो देखा करते थे और उन्हें कितने शिक्षकों की समस्याओं का निदान किया है वो देखा करते थे, लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ शिक्षकों की समस्याएं कम नहीं हुई और ऐसे में जीवन कुमार को भाजपा ने मौका दिया है, शिक्षकों की समस्याएं खत्म होगी और गया क्षेत्र के जो शिक्षक हैं और शिक्षा के विकास को लेकर जीवन कुमार लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जीवन कुमार की दावेदारी भाजपा की तरफ से इतनी मजबूत क्यों हो गई और चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही लोग ये क्यों कहने लगे कि वो जीत रहे हैं। दरअसल वर्तमान वहां से जो एमएलसी हैं 12 वर्षों से उनको लेकर काफी चर्चा है कि उन्होंने कितना सवाल सदन में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर खड़ा किया है, आखिर वो शिक्षा और शिक्षक को लेकर कितनी बार बोले हैं। जीवन कुमार ना तो इसके पहले किसी भी सदन का सदस्य रहे हैं और ना ही उनका इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्षों को देखते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। अब ऐसे में काफी चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनकी दावेदारी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कारण कई हैं। पहला कारण कि वो 12 वर्षों से हैं, एंटी इनकम्बेंसी लागू है, जो काम वो नहीं कर पाए हैं उस काम को लेकर जनता के अंदर विश्वास है और जनता को शिक्षकों को ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि जीवन कुमार इस बार उस क्षेत्र से काफी मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि उनके जो प्रत्याशी है पांचों सीट पर जीत दर्ज कर लें, लेकिन गया की जो जमीन है, गया की जो भूमि है वो ज्ञान की भूमि है, तो वहां से जीवन कुमार शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दों को लेकर जब आगे आते हैं तो चर्चा का विषय बन जाती है। रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें कमान दिया और रात के 8 से 9 के बीच में जब ऐलान हुआ कि जीवन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है तो काफी चर्चा हुई। इसके पहले भी उनको लेकर चर्चा थी कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को राजकर्मी का आज तक दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद पेंशन योजना को लेकर जीवन कुमार लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए कि जो उनके प्रतिद्वंदी है जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी वो सदन के अंदर रहे हैं और उनके रहने के बावजूद शिक्षकों की ये समस्याएं हल नहीं हुई। आपको याद होगा कि बिहार में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षकों ने कितना नुकसान पहुंचाया था, शिक्षा को क्षेत्र को लेकर और पुरानी पेंशन और राजकर्मी के दर्जा को लेकर लगातार धरना पर बैठे शिक्षकों ने नीतीश के विरुद्ध वोट कर दिया था और नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में आप देख ही सकते हैं, विधायकों की संख्या सिमट गई और ऐसे में अब उनके एमएलसी जो प्रत्याशी हैं उन पर यह मामला हावी होता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है 4 लाख की वो चुनाव के समय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों को लेकर अब खबर है जीवन कुमार पर शिक्षकों का भरोसा जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी से ज्यादा है,
ऐसे में अब उस क्षेत्र का चुनावी परिणाम क्या होता है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ही दांव में सब कुछ उलट पुलट कर दिया है और नौजवान और कर्मठ उम्मीदवार जैसा भाजपा दावा कर रही है कि उनके प्रत्याशी जीवन कुमार हैं, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में लड़ाई कितनी टक्कर की होती है यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, शिक्षकों और शिक्षा को लेकर उन्होंने जो काम किया है, कहीं ना कहीं जीवन कुमार की तरफ झुकाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।